Hello, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer for Grade 9th. पिछली बार दो सेक्शंस में हमने जो चीज़ पढ़ी वो थी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स. आज हम उससे एक रंग ऊपर जाएंगे और हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ट्रीज. As promised, मैंने बोला ही था कि हम नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ आवर स्लाइड्स. पहला जो बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है वो ये है कि ट्रीज आर ऑफकोर्स द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रीज को सबसे ज़्यादा, जिसको अगर हम ये कह सकते हैं दैट दे आर नेटिव ऑफ अर्थ, तो हम गलत नहीं बोलेंगे. ट्रीज सबसे पहले अर्थ पे पाए गए थे. सबसे पहले जो उगने वाली जो जीव था वो एक पेड़ था. एंड नेवर डाई ऑफ ओल्ड एज. और वो बेचारे कभी भी ओल्ड एज की वजह से नहीं मरते, अनलेस उनको कोई बीमारी ना हो या उनको डिफॉरेस्टेशन की वजह से काट ना दिया गया हो या उनकी रूट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो. वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं वो कभी नहीं मरते. इट इज़ दी आई थिंक परहैप्स दी ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके साथ ये चीज़ होती है. जैसे कि जो हम प्लांट किंगडम की या एनिमल किंगडम्स की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर थिंग्स बट वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स विद लाइफ एंड बेसिक प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के वो अभी भी ओल्ड एज से नहीं मरते. कैलिफोर्निया होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रीज. कैलिफोर्निया जो कि एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो ये रिकॉर्ड जो है वो होल्ड करता है ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्रीज, जिसमें ब्रिस्टल कोन पाइन्स और जायंट सिक्वास आर 4,000-5,000 ईयर्स ओल्ड. ये माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पेड़ है ये 4,000-5,000 साल पुराने हैं और ये कैलिफोर्निया में आते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है. और मेथ्यूजिला करके एक और पेड़ होता है जो कि एस्टिमेटेड एग्जैक्टली माना जाता है 4,852 ईयर्स. इतना प्रिसाइज डेट है इस पर्टिकुलर ट्री का. और वो एंशंट ब्रिस्टल कोन पाइन है एंड द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री है इन द वर्ल्ड. ओके, अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की. क्या आप जानते हैं कि जब हम कोई पेड़ है उसकी उम्र किस तरह से नापी जाती है, या किस तरह से अगर किसी पेड़ की उम्र हमें जाननी है तो हम किस तरह से जानते हैं? ऑफकोर्स हमें बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये तो बहुत सालों से यहाँ लगा हुआ है और हम तो जब छोटे से थे तब से देख रहे थे और वो तो बहुत ही बहुत मोटा हो गया है, उसका तना बहुत मोटा हो गया है. जितना उसका भारी और मोटा तना होगा या ट्रंक होगा उतना पुराना वो पेड़ है. ऑफकोर्स दीज रिमेन्स द फैक्ट्स में भी, बट उसका जो एग्जैक्ट तरीका है उसको जानने का, वो उसकी जो रिंग्स होती हैं जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके जो तने में जो रिंग्स होती हैं, ये इस तरह की जो रिंग्स होती हैं उससे उसकी एज को पहचाना जाता है, उससे उसकी एज कैलकुलेट की जाती है. और इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को, इस पर्टिकुलर टेक्निक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेड़ों की एज जानने के लिए जो उसकी रिंग्स को काउंट करने का जो एक टेक्निक है उसका नाम है. और ये बोला जाता है कि जो पेड़ों की जो जो रिंग्स हैं वो ना सिर्फ उनकी एज रिवील करते हैं बल्कि वो अलग अलग, वो किस तरह की चीज़ों से गुजर के वो पेड़ इतना बड़ा हुआ है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, किस तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, किस तरह का इकोसिस्टम उसने सर्वाइव किया है, थ्राइव किया है, वो भी बताता है. जैसे कि वो आपको वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में बता सकता है, अगर उसकी लाइफ टाइम में कोई ड्रॉट कंडीशन आई थी वो उसके बारे में उसके ट्रीज की जो रिंग्स हैं उससे आपको जानकारी मिल सकती है. आपको उसके गुड ईयर्स ऑफ ग्रोथ पता चल सकते हैं, आपको उसके बैड ईयर्स ऑफ ग्रोथ पता चल सकते हैं. गुड ग्रोथ ईयर्स जो होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं फ्रॉम द हेल्दी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. ऑब्वियसली कोई भी जो समय है गुड टाइम जब उसका माना जाएगा पेड़ का, वो तब माना जाएगा जब उसको जितना उसके रिसोर्सेज अपनी ग्रोथ के लिए या न्यूट्रिएंट्स अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए उतना उसको सफिशिएंट मात्रा में मिल रहे थे. तो दोज आर कंसिडर्ड टू बी गुड ग्रोथ ईयर्स. और बैड ग्रोथ ईयर्स वो होंगे जब उसने किसी तरह जैसे तैसे अपनी जो लाइफ है वो बचा के रखी एंड इट थ्राइव्ड, या इट सर्वाइव थ्रू द बैड टाइम्स, या बुरे वक्त के साथ जब ड्रॉट कंडीशंस थी या उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, तो भी वो सर्वाइव करता गया. अब ये जो स्टडी है जो की गई थी, ये ही इज एन इंडियन जिन्होंने ये स्टडी की, जिनका नाम था सोमारू राम, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी से हैं, जिन्होंने ये शो किया, जिन्होंने ये स्टडी की कि इंक्रीजिंग हाइट इंडेक्स
जो है इंक्रीजिंग हाई हीट इंडेक्स जो है टेम्परेचर सिक्किम में, जो सिक्किम जो स्टेट है जो सेवन सिस्टर्स में हमारे आता है, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम का, उसमें जब इंक्रीजिंग हीट इंडेक्स हुई तो इंडिया हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्री ग्रोथ ड्यू टू हाई पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन. तो उन्होंने कहा कि जो ट्री की जो ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन जो था वो ज़्यादा होने लगा. तो ऑब्वियसली उन्होंने ये बात बताई कि रेट एट विच द प्लांट लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स, सच स्टडीज हेल्प उसमें बताया थ्रू देयर लीव्स इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. और उन्होंने ये बताया, ये जानकारी हमें दी, उनकी जो रिसर्च है उसने ये चीज़ साबित कर दी कि इस तरह की जो 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 प्लांट है उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के, उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी रूट्स को या उसके बाग के जो रिंग्स हैं उनको देख के या उनकी लीव्स को देख के या उनकी बाकी जो मॉर्फोलॉजी है उनकी प्लांट की अगर आप समझें तो आप एक प्लांट का क्लाइमेटिक कंडीशन भी समझ सकते हैं और आप असर्टेन कर सकते हैं. अब थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है दैट प्लांटिंग ट्रीज कैन हेल्प रिड्यूस योर एनर्जी कॉस्ट. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, ये कोई ट्री फैक्ट नहीं है एग्जैक्टली, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट नीड ऑफ अ टाइम कि अगर आप ट्रीज को प्लांट करते हैं यू कैन रिड्यूस योर एनर्जी कॉस्ट. शेड स्ट्रैटेजिकली प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स कैन सेव यू अप टू 25% ऑन योर एनर्जी बिल्स. 25% तक ये आपकी एनर्जी बिल्स को कट डाउन कर सकते हैं, सेव डाउन कर सकते हैं. अ शेड ट्री कैन हेल्प कूल योर होम एज मच एज 20 degrees इन समर टाइम्स. नॉट ओनली डू दे प्रोवाइड सीड्स इन द समर बट सर्व एज अ विंड ब्रेक इन द विंटर्स टू. इन फैक्ट आजकल जो इकोलॉजिकल लॉजेस बन रहे हैं, इकोलॉजिकल हटमेंट्स बन रहे हैं, इकोलॉजिकल हाउसेस बन रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत यूज़ की जा रही हैं कि नॉर्मली लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और प्लांट शेड्स जो हैं वो प्लांटेशन इतना ज़्यादा अपने घर के आसपास करते हैं, इतनी ट्रीज अपने घर के आसपास लगाते हैं जिनकी एयर जिनकी जिनसे होते हुए जो विंड्स आती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं, तो उससे उनके घर के क्लाइमेटिक जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से कम रहता है और उनके हेल्थ बेनिफिट्स उनको अलग मिलते हैं. जैसे कहा जाता है कि अगर घर के आसपास आप नीम के पेड़ लगाते हैं तो वो एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं. सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल टेक्टिक्स स्मॉल टेक्निक्स अगर आप उसको अपने रोज़मर्रा के लाइफ में, आज के अपने बिजी स्केड्यूल में, अर्बनाइजेशन में भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ. ओके, नेक्स्ट चौथे नंबर का फैक्ट हमारा, सम ट्रीज हैव बीन टू मून. डू यू नो दैट? आपको ये मालूम है कि रैबिट मून पे गया है, आपको ये मालूम है कि एनिमल्स गए हैं, इंसान गए हैं, पर क्या आपको ये मालूम है कि मून पे एक पेड़ भी गया था? हम उसके बारे में पढ़ते हैं. मून ट्रीज वर ग्रोन फ्रॉम सीड टेकन टू द मून ड्यूरिंग द अपोलो 14 मिशन अर्ली 1971 में जो अपोलो मिशन हुआ था उस पर कुछ सीड्स जो हैं वो ले जाए गए थे नासा के थ्रू एंड यू एस फॉरेस्ट सर्विस वॉन्टेड टू सी इफ द मून ऑर्बिट cause the seeds to grow differently back on earth. तो बेसिकली पेड़ तो ऑब्वियसली पूरा नहीं ले जाया जा सकता था लेकिन कुछ सीड्स जो थे वो ले जाए गए थे अपोलो मिशन में और नासा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था यूएस का वो ये देखना चाहता था कि जब वो सीड्स जो हैं वो वापस लाए जाएँ तो क्या वो अर्थ पे कुछ अलग तरह से ग्रो करेंगे या नॉर्मल सीड्स की तरह ही ग्रो करेंगे. दिस ट्रीज वर डोनेटेड टू स्टेट फॉरेस्ट्री सर्विस इन 1975 एंड 76. इन सीड्स को लाके वापस डोनेट कर दिया गया था 1975 और 76 में. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ पेड़ जो है वो भी अंतरिक्ष की यात्रा करके या मून की यात्रा करके वापस आए हैं. ओके, नाउ फिफ्थ इज ट्रीज आर एबल टू कम्युनिकेट एंड डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट अटैकिंग इंसेक्ट्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है. ये जब हम और भी एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि थिंग्स दैट इंट्रीग अस अबाउट प्लांट उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं, पर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और वो एक दूसरे का बचाव भी कर पाते हैं, वो अपना भी बचाव कर पाते हैं अगर कोई इमिनेंट डेंजर हो तो. साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट ट्रीज कैन फ्लड देयर लीव्स विद केमिकल्स कॉल्ड फिनोलिक्स व्हेन द इंसेक्ट बिगिंस देयर रेड. जब क्या होता है, जब इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जब अपना उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, अपनी रेड डालने होते हैं, तो उनके अंदर एक केमिकल होता है
उसको फिनिलिक्स कहते हैं एंड दे कैन फ्लड देयर लीव्स विद दैट पर्टिकुलर केमिकल टू एक्चुअली ये बोलने के लिए कि खतरा है, आसपास इंसेक्ट्स हमारे ऊपर रेड करने वाले हैं. दे कैन ऑल्सो सिग्नल डेंजर टू अदर ट्रीज सो दे कैन स्टार्ट देयर ओन डिफेंस. और ये सिग्नल वो सिर्फ अपने आप को नहीं देते, अपनी पेड़ों को, अपनी शाखाओं को नहीं देते, वो बाकी पेड़ों को भी दे देते हैं अपने आसपास के, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई खतरा है, सावधान रहो. विलो ट्रीज फॉर एग्जाम्पल, विलो ट्रीज की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमिट सर्टन केमिकल्स व्हेन दे अटैक बाय वेब वर्म्स. स्पेशली वेब वर्म्स एक पर्टिकुलर तरह की प्रजाति होती है जो कि विलो ट्रीज पे खास तौर पे बहुत ज़्यादा अटैक करती है. और विलो ट्रीज आर वेरी स्मार्ट, दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म अगेंस्ट देम. उन्होंने क्या किया है कि वो एक तरह का केमिकल जो है वो एमिट करती है इस पर्टिकुलर वेब वर्म के अटैक से बचने के लिए. Other willows then produce more tannins, making their leaves harder for the pest to digest. और बाकी जो विलो की एक प्रजाति है वो क्या करती है, उसमें tannins प्रोड्यूस करती है ताकि जो पेस्ट है उसकी जो लीव्स है वो इतनी हार्डन हो जाएं कि पेस्ट जो है वो खाएं भी तो उसको डाइजेस्ट ना कर पाए. सो ट्रीज आर दैट स्मार्ट. नाउ द सिक्स्थ फैक्ट. सिक्स्थ फैक्ट इज ट्रीज ब्लॉक नॉइज बाय रिड्यूसिंग साउंड वेव्स. ट्रीज जो हैं वो साउंड वेव को रिड्यूस कर देते हैं और नॉइजेस ब्लॉक कर देते हैं. ये आपको पता है कि जंगलों में इस तरह से आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, गो डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड ट्राई टू यू नो स्क्रीम और शाउट एंड यू विल नोटिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर. दे रिड्यूस नॉइज थ्रू फिनोमिनन कॉल्ड साउंड एट्यूनेशन विच इज द रिडक्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी. जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको वो लोअर डाउन कर देते हैं with the technique called sound attenuation. Okay, leaves, twigs and branches on trees, shrubs and herbaceous growth absorb and deflect sound waves to mask unwanted noise. अब वो ये कैसे करते हैं, जो branches होती हैं trees की, shrubs की, herbs की, वो क्या करती हैं कि इनको basically absorb करती हैं sound waves को और deflect कर देती हैं ताकि unwanted noise या unwanted शोर शराबा आपको सुनाई ना दे. अब हम आते हैं सातवें फैक्ट पे. सातवां फैक्ट क्या है, ट्रीज कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस. ऑफ कोर्स वो तो हमें कहा ही जाता है, टेक अ वॉक इन द फॉरेस्ट एंड ऑल द स्ट्रेस विल बी गॉन, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अ फर्दर मोर. स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है. ऑफ कोर्स रिसर्च सजेस्ट करती है कि अगर आप ट्रीज के आसपास रहते हैं आपका मेंटल और सोशल वेलबींग हमेशा अच्छा रहता है. इनफैक्ट लोग कहते हैं कि अगर आप एक चक्कर फॉरेस्ट का या जंगल का लगा लेते हैं, आजकल तो हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो हमें फॉरेस्ट या जंगल तो नहीं मिलते, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो, पार्क्स हो, गार्डन्स हो, वहाँ पे अगर आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं तो आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल और फिजिकल वेलबींग बिल्कुल बैलेंस्ड रहती है. और इसके अलावा स्टडी कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग ने, और जिनने कहा कि जितना डेंस फॉरेस्ट होगा जितना उतना लोअर स्ट्रेस होगा. बट ऑफ कोर्स अगर आप फॉरेस्ट नहीं भी जा सकते तो आप गार्डन्स में तो कम से कम जा ही सकते हैं. सो ट्राई डूइंग दैट विथ योर पेरेंट्स और एनी बडी हु इज एल्डर एट होम. अकेले नहीं जाना है मम्मी पापा से पूछे बिना, बट ट्राई टू डू इट. We suggest that taking a walk down a tree-lined street could prove beneficial to your mental well-being. अगर कुछ नहीं होता है तो even जो pavements होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, अगर आप उसके उसमें ही अगर आप walk करते हैं तो भी आपकी mental well-being के लिए काफ़ी अच्छा होता है. Okay, researchers also suggest that nature experience help us to feel kinder towards others. In fact, ये भी एक research हुई है कि अगर आप nature से connected feel करते हैं even you will become calmer as a person and more kinder as a person. आप लोगों का दुख दर्द समझ पाएंगे, empathy के बारे में आप जान पाएंगे. You will become a better version of a human being that you are. So try to do that. This is partly because they release chemical called phytoncides. When we breathe them in, they can reduce blood pressure and lower anxiety level, increase pain threshold. तो ये basically सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इसकी chemical, इसका scientific proof भी है, इसके scientific backing भी है इसके पीछे कि एक particular chemical ऐसा होता है उनके अंदर जो वो emit करते हैं जिसकी वजह से हमारा blood pressure normalize हो जाता है और anxiety levels in check रहते हैं. अब हम आते हैं आठवें पे. आठवा जो हमारा पॉइंट है वो ये है, ट्रीज हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज. ये तो हमें पता ही है.
A mature tree can absorb more than 48 pound of carbon dioxide. 48 pound of carbon dioxide, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट और कितने बड़े चंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. Each year, removing and storing the carbon while releasing the oxygen back in the air. Of course, हम ये तो बहुत basic fact है जो हम जानते हैं कि trees क्या करते हैं, oxygen release करते हैं air में और carbon dioxide absorb करते हैं. And this is why they are the backbone of the environment. अगर वो नहीं हो तो हम sustain ही नहीं कर सकते. कोई भी living format जो है, जो कि oxygen पे dependent है, वो survive नहीं कर पाएगा. In Chicago, trees remove more than 18,000 tons of air pollution each year. Again, we are talking about a state in the United States of America, जिसमें 18,000 ton air pollution जो है, वो remove करते हैं सिर्फ पेड़. 9th, trees can help you find your ways if you get lost in the woods. अगर आप जंगल में खो जाते हैं तो trees जो हैं वो आपको रास्ता find करने में या navigate करने में सबसे ज़्यादा helpful होते हैं. अब वो कैसे helpful होते हैं? In northern temperature climate, moss will grow on the northern side of the tree trunk. Northern temperate climate में जो moss है, वो जो काई जिसको आप कहते हैं, वो northern side of tree trunk पे बनती है, where there is more shade. Also, trees ring can help point you in the right direction too. अगर आप trees की ring देखेंगे तो वो भी आपको सही दिशा दिखाएगी. If you are in the northern hemisphere, you can see the rings of the tree grow slightly thicker on the southern side since it receives more light. अब अगेन हमने hemisphere की बात की. Hemisphere हम डिस्कस कर चुके हैं, ये geographical terminology है जिसके बारे में हमने बात की थी, equator की और northern hemisphere, southern hemisphere, इन सब बारे में, longitude, latitude, वो हम detail में geography में पढ़ेंगे. अभी आपको ये समझना है कि अगर आप northern hemisphere में हैं तो आप देखेंगे कि जो rings हैं tree की वो slightly thicker होंगी किस साइड पे, southern साइड पे, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी उसको ज़्यादा मिलेगी. और इन द southern hemisphere the opposite is true. और अगर आप सदन में है तो ऑब्वियसली इस बात का बिल्कुल जो पलट है वो सही होगा. When rings being thick on the northern side की rings वहाँ पे ज़्यादा मोटी होंगी. अब हम बात करते हैं 10th fact की. 10th fact क्या है? More than half of all tree species exist only in one country. अगर हम ये बात करते हैं कि world में जितनी trees की species हैं उसमें से आधे से ज़्यादा वो सिर्फ एक कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या आप मेरी बात सच मानेंगे? फाइन, अब हम उसकी डिटेल में जाते हैं. देर आर 60,000 ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड एंड मेनी आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन. बहुत सारी अभी भी एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं. ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इंडोनेशिया हैव द हाईएस्ट टोटल ऑफ नेटिव ट्री स्पीशीज. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटिव ट्री स्पीशीज की. ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटिव ट्री स्पीशीज. और वो नेटिव ट्री स्पीशीज कौन सी तीन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में एंड कोलंबिया में. ओके, सो वी आर थ्रू विद दिस पर्टिकुलर फैक्ट. नाउ लेट्स कम टू द 11th फैक्ट. 11th फैक्ट इज वेल केप्ट लैंडस्केप्स विद ट्री इंक्रीजेस प्रॉपर्टी वैल्यू. ऑफ कोर्स दिस इज, ये तो सीधे सीधे लैंडस्केप मैनेजमेंट की बात है. ये हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग की या लैंडस्केप मैनेजमेंट की बात करते हैं. जहाँ पे बहुत अच्छा लैंडस्केप होता है वहाँ पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई होती है. Several recent nationwide surveys show that the mature trees in the well landscaped yard can increase the value of the house by 7 to 19%. 19% तक हमारे यहाँ ये माना गया है कि अगर अच्छा लैंडस्केप है, अच्छा व्यू है, अच्छा वेल मेंटेन लैंडस्केप है, तो 19% तक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो एक्सेंचुएट होगी या एक्सिलरेट होगी. राइट, अ स्टडी बाय द मिशिगन स्टेट प्रोफेसर found that across 7 different states, a study participant received that the home value increased from 5 to 11% for home with a good landscape. पहले की जो हमने बात की वो हमने अपने बारे में बात की. नीचे का जो दिया हुआ है वो मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बोला है. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे यूके की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे लिस्बन की हो, चाहे कहीं की भी हो, दिस रिमेन्स अ फैक्ट कि जहाँ पे अच्छा वेल मेंटेन लैंडस्केप होगा, जहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा होगा, जहाँ पे इकोसिस्टम अच्छा होगा, वहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स हमेशा हायर होंगे कंपेयर टू द अदर एरियाज. सो दैट इज अ यूनिवर्सल थिंग. डोंट गो बाय द परसेंटेज, यू कैन ऑलवेज नो द फैक्ट्स. अब हम बात करते हैं 12th की.
ट्वेल्थ है, इफ द बर्ड हाउस इज हंग ऑन द ट्री ब्रांच, अगर बर्ड हाउस इज हंग ऑन द ट्री ब्रांच इट वोंट मूव अप एज द ट्रीज एज द ट्री ग्रोज, इट वोंट मूव अप द ट्री एज द ट्री ग्रोज. व्हाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज ट्री ग्रोज फ्रॉम द टॉप. आपको ये बात मालूम है कि ट्रीज जो हैं वो जड़ों से नहीं बढ़ते, वो ऊपर से बढ़ते हैं. ये आई एम श्योर बहुत सारी बात ये आपको नहीं पता होगी, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द एंड्स ऑफ द ट्री शूट फ्रॉम द एरिया कॉल्ड मेरिस्टेम्स. दीज मेरिस्टेम्स आर द लोकेशन फ्रॉम विच ट्रीज ग्रोज टॉलर एंड लिम्स ग्रोज लॉन्गर. मेरिस्टेम एक ऐसा पार्ट है ट्री का जहाँ से जो उसकी स्टेम्स हैं वो लंबी होती जाती हैं और लॉन्गर होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं. तो ट्रीज जो हैं बेसिकली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं मेरिस्टेम नाम के, और वो जो है वो एरिया कॉल मेनी स्ट्रेम, सॉरी, उसमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं. तो ट्री जो बड़े ट्रीज होते हैं वो नीचे से नहीं बढ़ते, वो ऊपर से बढ़ते हैं. ओके, बिकॉज ट्रीज ग्रोज फ्रॉम देयर मोस्ट डिस्टेंट एंड्स, इट मीन्स दैट द ब्रांच विल ऑलवेज बी द सेम हाइट एज इट वॉज अ डे इट इमर्ज फ्रॉम द ट्रंक. तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रांच है वो ट्री की अपनी जगह पे रहेगी, उसके जो डिस्टल एंड्स हैं उससे ट्री अपनी हाइट बढ़ाता जाता है. इसी वजह से अगर आपने कोई सा खाने के लिए कोई पॉट टांगा है उस पर, तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो कल और बड़ा हो गया, परसों और बड़ा हो गया. वो ब्रांचेस उसी जगह पे रहेंगी, लेकिन उसकी जो डिस्टल एंड्स हैं ट्रीज की उससे उसकी हाइट बढ़ती जाती है. However, just because tree branches do not rise as a tree grows doesn't mean they will always be there. Many trees shed their lower branches as they grow. कुछ branches ऐसी होती हैं जो कि आप देखते हैं शाखाएँ टूट जाती हैं, तो वो बात अलग है. लेकिन अगर कोई tree की branch है तो वो उसके साथ वो stationary height पर रहेगी, वो ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर नीचे हो. 13th fact की बात करते हैं हम. Trees improve water quality. Of course, this is also not a rocket science. ये तो हम खुद ही जानते हैं कि कुछ trees जो होते हैं, in fact, सारे trees जो हैं, वो water quality को improve करते हैं. कैसे करते हैं? A rain falls to the earth. It is slowed and filtered by tree. जब बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो वो क्या करती है? जब पेड़ लगे होते हैं, तो obviously जब आप नीचे खड़े होंगे और पेड़ों की छाँव के नीचे खड़े होंगे, तो आप देखेंगे वो बारिश का पानी जो है वो मध्यम हो जाता है, हल्का हो जाता है, और वो फिल्टर होता है trees के थ्रू. Helping it soak into the soil. और फिर वो जब soak होता है soil में, तो वो filtered पानी होता है, मध्यम गति से आता है. जो कोई चीज़ मध्यम गति से आएगी तो वो ज़मीन में absorb होगी. अगर बहुत तेज़ बारिश होगी तो obviously वो पूरा बह जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश होती है, तो वो ज़मीन सोखती है. तो ट्री जो है उसकी जो बारिश के जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है, और पानी को ज़मीन में पड़ने से पहले फिल्टर डाउन कर देता है. Trees can serve as a natural sponges, collecting and filtering rainwater and releasing it slowly into streams and rivers. This is the same thing. The trees जो हैं, क्योंकि उसमें पानी धीरे धीरे आने लगता है, growth जो speed है पानी की बहुत तेज़ बारिश की, उसको control कर लेता है, धीरे कर लेता है, मध्यम कर लेता है, तो जो पानी जो erosion की तरह बहता है उसको वो रोक लेता है. They also prevent soil from eroding into our waterways, reducing storm water runoff and lessen flood damage. So this is what we basically discussed. अब हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्रीज ग्रोथ एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द ईयर. अब हम बात करते हैं ट्रीज़ की ग्रोथ की. अब हम ये समझ लें कि ट्रीज़ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो राउंड द ईयर ग्रो करते हैं, पर अलग अलग समय पे. ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं. हमें ये समझना होगा, टिपिकली मोस्ट ऑफ द फॉलेज ग्रोथ हैपन्स इन द स्प्रिंग. फॉलेजेस जो हैं वो स्प्रिंग में ग्रो करती हैं, ट्रंक ग्रोथ जो है वो समर में होती है, और रूट ग्रोथ जो है वो होती है फॉल और विंटर में. तो हमें ये बात समझ में आ गई कि पूरा ट्री जो है वो एक साथ ग्रो नहीं करता है, वो अलग अलग टाइम पे उसके अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, अलग अलग सीजन्स और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से. नाउ कम्स टू द 15th पार्ट, और हम बात कर रहे हैं ओक्स के बारे में. ओक्स जो कि बहुत लंबे पेड़ माने जाते हैं, बहुत बड़े पेड़ माने जाते हैं, जो एकॉर्न्स ग्रो करते हैं जिसपे, पर वो सिर्फ तब ग्रो करते हैं जब वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं. और मैच्योर भी कितने? जब वो तकरीबन 50 साल के हो जाते हैं कम से कम, उसके बाद उस पर एकॉर्न्स उगना चालू होते हैं. I hope you enjoyed this particular session, our interesting facts about trees. और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता थी. Stay tuned with me. I am sure we have a lot of time to learn a lot of new things. और हम और भी बहुत सारी interesting चीज़ें पढ़ने वाले हैं, and we have a long way to go. Just stay tuned with us at Magnet Brains. We are 100% free channel. We are always there to help you. And you just have to subscribe to us and stay tuned.
एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.